प्रदेश की संस्कृति व साहित्य के संरक्षण व संवर्धन के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग सदैव प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से विभाग समय समय पर अनेकों साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता रहता है। यह बात भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने मीडिया से कही। मीडिया को अधिक जानकारी देते हुए निदेशक पंकज ललित ने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग सतारा से 19 मार्च 2023 तक 3 दिवसीय मीमांसा बाल साहित्य उत्सव का आयोजन गेटी थिएटर में करवाने जा रहा है। बाल साहित्य में लघु कहानी लेखन, शब्दावली, कौशल, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग, बुकमार्क मेकिंग सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। इसमें स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 25 वर्ष से कम आयु वाले छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस साहित्यिक उत्सव का मकसद बच्चों को एक खुला मंच प्रदान करना है, साथ ही उनमें साहित्य के प्रति रुचि को बढ़ाना है। ये आयोजन 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक 3 दिन के लिए यही गेटी थिएटर में होने वाला है और इस बाल साहित्य उत्सव को कराने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे जो 25 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं, युवा हैं, उनको हम एक अवसर दे सकें। उनमें से जो भी लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए कई तरह के कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं, कोई बुक रिव्यूज रखे गए हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, तो वो यहाँ इस उत्सव में, इस फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं और अपनी रचनाएं उनको पढ़ने का भी मौका मिलेगा, कॉम्पिटिशन में भाग लेने का भी मौका भी मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ उनको मिलने का भी मौका मिलेगा, उनको उनके साथ बातचीत करने का, कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा। उद्देश्य क्या है इसको करवाने का सर? इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों में भी साहित्य के प्रति रुचि बढ़े। वो बच्चे भी आजकल आप जानते हैं, बच्चे और युवा आजकल बहुत सारे कोई सोशल मीडिया में, कोई दूसरे चीजों में बहुत अपना समय गुजार रहे हैं और पढ़ने के प्रति थोड़ा बच्चों में, पढ़ने लिखने के प्रति लगाव कम हो गया है। तो हमारा प्रयास इसके माध्यम से यही है कि बच्चों के अंदर जो सृजन करने की जो शक्ति है, जो एबिलिटी है, उसको बढ़ाया जाए और वो अपना एनर्जी चैनलाइज करें लिखने पढ़ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।